नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मथुरा के थाना गोविंद नगर और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मोबाइल फोन लूटने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये शातर बदमाश राह चलते लोगों को अपना शिकार बनाते और मोबाइल लूटकर फरार हो जाते। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए इन बदमाशों के पास से विभिन्न कंपनियों के 14 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पिछले कुछ दिनों से शहरी क्षेत्र में बढ़ती मोबाइल फोन की लूट की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रभारी निरीक्षक थाना गोविंद नगर कोतवाली और सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने बदमाशों को पकड़ने के लिए टीम बनाई। टीम में लूटे गए मोबाइल की IMEI नंबर को सर्विलांस पर लगाया, जिसके बाद पुलिस को एक क्लू मिला, जिसके बाद पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 4 मोबाइल चोर इखलाक उर्फ बुखार पुत्र इकबाल निवासी गली प्रभुदारान मंडी रामदास, कृष्ण पुत्र मनोज निवासी गली राजकुमार मंडी रामदास, सुरेंद्र कुमार पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम सिहावली थाना छर्रा अलीगढ़ और सपन कुमार पुत्र राम रतन निवासी ग्राम सिहावली थाना छर्रा अलीगढ़ को गली टेक नारनौल की तरफ से आते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए चारों शातरों के कब्जे से चोरी किए गए 14 मोबाइल बरामद किए। शातर मोबाइल फोन लुटेरों को गिरफ्तार करने वालों में प्रभारी निरीक्षक ललित भाटी, उप निरीक्षक चमन कुमार शर्मा चौकी प्रभारी डी गेट, उप निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार चौकी प्रभारी वृंदावन गेट थाना गोविंद नगर, उप निरीक्षक अनुज कुमार तिवारी चौकी प्रभारी बंगाली घाट थाना कोतवाली, उप निरीक्षक विनोद कुमार हेड कांस्टेबल गोपाल सर्विलांस सेल, अखिलेश कुमार कांस्टेबल पीताम्बर राजकुमार सनोज तोमर थाना गोविंद नगर मथुरा शामिल रहे। मथुरा से हमारे संवाददाता केशव आचार्य गोस्वामी की रिपोर्ट। आज एक बड़ी सफलता मिली है, 4 मोबाइल चोर जो पकड़े गए हैं उनके पास से 14 मोबाइल रिकवर किए गए हैं, जिसमें 4 मोबाइल पूर्व में मुकदमे जो लिखे गए हैं उनसे कनेक्ट हैं और शेष मोबाइलों को कनेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। ये पिछले काफ़ी दिनों से मोबाइल चोरी की घटनाएं कर रहे थे और आज गोविंद नगर पुलिस को इनकी गिरफ्तारी में सफलता मिली है। कुल कितने मोबाइल? कुल 14 मोबाइल रिकवर हुए हैं, जिसमें 4 मोबाइल कनेक्ट हुए हैं पुरानी घटनाओं से। क्या सर आपराधिक इतिहास है इनका? पहला इनका 2022 से इन पे चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।